अलमैकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटोसेंथिस से रिलेटेड कल मैंने आपको फ़ोटोसेंथिसिस का बेसिक पढ़ा दिया था आज हम इसकी पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फ़ोटोसेंथिसिस यानी फ़ोटोसेंथिस की अहमियत फ़ोटोसेंथिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैमिकल चेंजेस दट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड यानी ये एक फ़ोटोसेंथिसिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फोटोसेथिसिस एक बहुत अहम केमिकल चेंजेस का अमल है जो टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड जो कि हमारी दुनिया में होता है इट इफ फ़ोटोसेंथिसिस डज नॉट टेक प्लेस अगर फोटोसेंथिसिस का अमल ना हो नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई तो जो ही ये अमल रुक जाए तो तमाम लिव, तमाम लिव, लिविंग थिंगस जो हैं वो डाई यानी ख़त्म हो जाए मार जाएँ तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसेंथिसिस फोटोसेंथिसिस के दो प्रोडक्ट्स हैं एक ग्लूकोज है और दूसरा ऑक्सीजन है ऑल लिविंग थिंग्स यूजिस दिस टू प्रोडक्ट्स इन रेस्पोरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इसमें हम लोग भी आ जाते हैं जानवर पौधे भी आ जाते हैं और यूज दीज टू प्रोडक्ट्स इन दो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इन रेस् टू प्रोड्यूस एनर्जी यानी रेस्परेशन कहते हैं सांस लेने के केमल को य सांस लेने के केमल में टू प्रोड्यूस और एनर्जी बनाने के लिए दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ़ लाइफ ये जो एनर्जी है ज़िंदगी की मुख्तफ़ सरगर्मियाँ सारंजाम देने में हमें मदद फ्राहम करती है एक्टिविटीज़ कहते हैं सरगर्मियों को पॉइंट टू पॉन्डर अब ये पॉइंट है एक देखें ये आपको ग्लोवसा बना हुआ नजर आ रहा है इसमें देखें एक प्लांट है और एक माउस यानी एक चूहा है तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इट हैज बिन टॉट दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड लिव इन अ सील्ड एनवायरनमेंट सच एज ग्लास ग्लोब वो कह रहा है कि एक प्लांट और एक लिविंग थिंग यानी एक एनिमल है ये एक चूहा है क्या ये दोनों एक सील्ड ग्लोब में बंद रह जिंदा रह सकते हैं डू यू थिंक इट इज़ इट इज़ पॉसिबल आपने ये सोचना है क्या ये मुमकिन है इफ़ यस yes, तो हो अगर ये है तो कैसे तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो जब प्लांट अपनी रेस्परेशन का अमल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस अंदर लेके जाते हैं और जो ऑक्सीजन गैस है बाहर खारिज करते हैं सांस के दौरान और इस तरह जब ये चूहा सांस लेगा तो ये ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर लेके जाएगा यानी ये, ये दोनों जो हैं इन जो प्लांट को चाहिए वो चूहा रिलीज़ करेगा और जो चूहे को चाहिए वो प्लांट रिलीज़ करेगा इसलिए ये दोनों सील्ड ग्लोब में ज़िंदा रह सकते हैं तो नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ फोटोसेंथिसिस फ़ोटोसेंथिस के डिफरेंट यानी मुख्त फैक्टर्स इनके असरात क्या हैं फ़ोटोसेंथेसिस के जो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं उनके क्या असरात हैं जैसे लाइट टम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नीड नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसेंथिसिस यानी लाइट टम्परेचर कार्बन डाईआक्साइड वाटर यानी पानी ये क्लोरो और क्लोरोफिल जो हैं ये अहम फैक्टर्स हैं फोटोसेंथेसिस के लिए इफ़ एनी ऑफ दिज फैक्टर्स फॉल्स टू लो लेवल फ़ोटोसेंथेसिस स्लोज डाउन आर स्टॉप्स। अगर ये जो ऊपर पॉइंट्स गए हैं इन में से किसी एक का भी लेवल लो हो जाए तो फोटोसेंथिसिस का अमल या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा यानी आहिस्ता हो जाएगा तो लाइट सबसे पहला है लाइट अब इनको वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं तो प्लांट्स ट्रैप सन लाइट टू मेक फूड बाय फोटोसेंथसिस यानी प्लांट्स क्या काम करते हैं सन लाइट यानी सूरज की रोशनी से की मदद से फ़ोटोसेंथसिस का अमल जो है कंप्लीट करते हैं और फ़ोटोसेंथिसिस के अमल के दौरान ये अपनी खुराक बनाते हैं पौधे फोटोसेंथसिस इंक्रीज एज लाइट इंटेंसिटी इनक्रीज अगर फोटोसेंथिसिस का अमल तब बढ़ता है जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़े यानी ये दिन के वक्त बहुत ज़्यादा होता है और रात को ये अमल रुक जाता है क्योंकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है और रात के वक्त कोई रोशनी नहीं होती रिकॉल विद स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स लाइट ऑफ सेवन कलर्स ऑफ लाइट क्लोरोफिल अब्जॉर्व ब्लू ऑरेंज एंड रेड लाइट यानी क्लोरोफिल जो है कौन कौन से कलर को ऑब्जॉर्व करता है ब्लू ऑरेंज और रेड लाइट को तो इसके बाद स्टूडेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाई ऑक्साइड विच प्लान्टज्जॉर्व फ्राम एयर इज एन असेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसेंथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है प्लांट विच प्लांट ऑब्जॉर्व यानी पौधे पत्ते जो हैं यहाँ पौधा जो है, है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्ज़ॉर्व करता है फ्राम एयर यानी हवा से इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और ये एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है फोटो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी इससे क्या साबित हुआ कि के केमल के लिए हवा भी बहुत ज़रूरी है हवा ना होगी तो पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्ज़ॉर्व नहीं कर सकते अगर हवा हो तो फिर ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो आब्जॉर्व कर सकते हैं द रेट ऑफ फ़ोटोसेंथिसिस विथ इंक्रीज़िंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यानी फ़ोटोसेंथिसिस का अमल बढ़ाने के लिए विद इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जितनी हवा ज़्यादा होगी फोटोसेंथिसिस का अमल उतना ही ज़्यादा होगा हवा अगर ना हो तो फोटोसेंथिसिस का अमल रुक जाता है द लेवल ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ोर पर परसेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हवा में वो कितना है ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ोर परसेंट इतने परसेंट हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है तो स्टूडेंट्स आज के लिए आप इतना ही रखें इसके साथ आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर टू पर आएँ एक्सरसाइज़ में ये देखें क्वेश्चन नंबर टू विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसेंथेसिस तो इसका आंसर आपको इधर में मिले इस टॉपिक में मिलेगा ये लिखा हुआ है ना इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल्स टू लो फोटोसेंथिसिस लो आर स्टॉप या फिर ऊपर का टॉपिक देखें फैक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ फोटोसेंथेसिस यानी फोटोसेंथेसिस के डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं लाइट है टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड क्लोरोफिल आज मैंने आपको दो पढ़ाए हैं लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आपने जो है ये जो कटिंग की हुई है ये पार्ट नहीं याद करना बाकी आपने यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये भी याद करना है लाइट से लेके लाइट का पूरा पोर्शन याद करना है जो कटिंग है वो नहीं बस करना आपने और आज के लिए आप लोगों ने सिर्फ़ ये दो टॉपिक याद करने हैं यानी फर्स्ट वाला पैराग्राफ इसका और लाइट